तो यो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू एंड फ्रेश न्यू वीडियो। सो भाई लोग कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि हमारे सारे के सारे भाई लोग बड़े होंगे। सो आगे भी बड़े रहना, सो तुम्हारे बच्चे को और न्यू इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। देन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आफ्टर अपडेट के बाद हम लोग को कौन सा न्यू इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है। देन उसी के साथ साथ इंक्यूबेटर के साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इवेंट अपडेट के बारे में, जो कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर बहुत ही जल्दी तुम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन उसी के साथ साथ OV38 के अपडेट के बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो आज की जो वीडियो होने वाला है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा ओपी वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से वॉच करना, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। अगर तुम लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप करते हो तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा इवेंट अपडेट वगैरह को मिस कर दोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। एंड वीडियो को अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है, सो अभी से हमारी वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नहीं और से पहले चैनल को विजिट नहीं किया, पहली बार आप लोगों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से चैनल को विजिट किया है। सो यहीं कहीं आप लोगों को लाल कलर का बटन देखने को मिल रहा है, उसको क्लिक कर लेना। उसी के बाजू में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स मिल जाएगा, जहां जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। एंड आप लोगों ने इतने सारे काम अपने भाई के लिए पहले से कंप्लीट करके रखे हैं, सो देरी किस बात की, शुरू कर लेते आज का हमारा वीडियो एंड शुरू कर लेते आज का हमारा कार्यक्रम। तो अभी तुम लोग को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एंड सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर अपडेट के बाद हमारा OV38 का अपडेट हम लोग को 11 तारीख को आने वाला है, तो उसके अपडेट के बाद हम लोग को कौन सा न्यू इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी हम लोग को एक वेब इवेंट देखने को मिलने वाला है, टोकन टावर इवेंट देखने को मिलने वाला है। कौन सा टोकन टावर इवेंट देखने को मिलने वाला है उसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं। सो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हमारा जो ये 3v1 फिस्ट की स्किन है वो आने वाला है, जो कि तुम लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो ना। तो ये वाला फिस्ट की स्किन वाला इवेंट हमारे इंडिया के अंदर आने वाला है। 3 फिस्ट की स्किन तुम्हें एक इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अपने इंडिया के अंदर है, बहुत टाइम मैंने ऐसा देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर सेम टू सेम इवेंट आ गया है। सिंगापुर वाले सर्वर के अंदर हमारा ये इवेंट चल रहा है, सो हो सकता है अपने आफ्टर अपडेट के बाद इंडिया के भी अंदर ये वाला इवेंट देखने को मिल जाए। अभी तो मैं कुछ कंफर्म नहीं हूं, अगर मैं जैसे ही कंफर्म हो जाता हूं तो मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हें बता दूंगा। तो इंस्टा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। अगर तुम्हें 110% लीग देखना है, एकदम परफेक्ट लीग देखना है, तो जाकर अपने को इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। तो चलो वीडियो में थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आफ्टर अपडेट के बाद हम लोग को एक रिटर्न में ईवो गन देखने को मिलता है, एंड उसी के साथ साथ एक न्यू ईवो गन देखने को मिलता है। तो न्यू ईवो गन के बारे में मैं तुम्हें वीडियो में थोड़ा सा आगे बताऊंगा। देन अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ईवो गन रिटर्न में आने वाला है OV38 के अपडेट में। सो हमारे पास जो भी चांसेस वगैरह आ रहा है वो है ईवो UMP का, क्योंकि अभी तक एक बार भी हमारा जो ईवो UMP है वो अभी तक एक बार भी रिटर्न बैक नहीं किया गरीना फ्री फायर ने। सो हो सकता है OV38 के अपडेट के बाद हम लोग को गेम के अंदर अपना जो रिटर्न में अपना ईवो गन है वो देखने को मिल जाए, ईवो UMP, जिसका चांसेस भाई लोग 50% है, क्योंकि देखो यहाँ पर ईवो XM8 भी कंफर्म हो रहा है। तो हो सके तो दोनों में से एक गन आ सकता है, ईवो XM8 या ईवो UMP। तो अभी तो जिसका चांसेस आ रहा है वो है अपना ईवो XM8। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सी ईवो गन देखने को मिलने वाला है। अगर मेरा मानो तो हम लोग को ईवो XM8 ही देखने को मिलने वाला है, ईवो UMP नहीं। और ईवो UMP आया तो XM8 को लेटर कर देंगे, लेकिन मेरे को जितना भी चांसेस वगैरह है वो XM8 का है। सो अभी देखते हैं क्या करने वाले गरीना फ्री फायर, क्योंकि गरीना फ्री फायर गांजा वांजा फूक के इवेंट लाते हैं। सो उनके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते भाई लोग। अभी जब तक अपडेट नहीं आता तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि जो भी डाटा माइनर लोग कंफर्म कर रहे हैं वो है ईवो XM8 के बारे में। तुम लोग कौन सा ईवो गन रिटर्न चाहिए हमें कमेंट करके जरूर से बताना, ईवो XM8 या ईवो UMP, तो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे तो ईवो XM8 चाहिए, तुम लोग कौन सा गन की स्किन चाहिए रिटर्न में हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो भाई लोग अभी चलो वीडियो में बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देन बात करते हैं कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर OV38 के अपडेट के बाद हम लोग को एक न्यू ईवो गन देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम है ईवो थॉम्सन। भाई लोग लिटरली बोलू तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस बात को सुन के कि हमारे गेम के अंदर ईवो थॉम्सन आने वाला है, क्योंकि भाई लोग देखो थॉम्सन ऐसे ही विदाउट स्किन भी बहुत बढ़िया काम करता है, स्किन के साथ तो सारे गनों का बाप हो जाता है। तो अगर थॉम्सन का ईवो गन आने वाला है तो तुम लोग सोच ही सकते हो कि क्या होने वाला है। अपना जो MP40 है उसको टक्कर देने वाला है अपना थॉम्सन। भाई लोग मैं पहले से बोल के रख रहा हूं, जो भी भाई जाते हैं कि एक बढ़िया गन स्किन उनके ID में हो एंड वो एक टक्कर देने वाला गन स्किन ले, तो भाई लोग ईवो थॉम्सन भाई लोग लिटरली ओपी वाला है। मैं तुम्हें टॉप अप करने के लिए तो बोलता नहीं हूँ, जो भाई टॉप अप अभी भी कर रहे हैं ना उनके लिए ये है। अगर तुम लोग निकालना चाहते हो कोई गन तो अब तुम लोग ईवो थॉम्सन निकालो भाई लोग, लिटरली भाई लोग थॉम्सन का जो स्किन है ना ईवो वाला भाई लोग लिटरली ओपी चलने वाला है भाई लोग, क्योंकि थॉम्सन ऐसे भी बढ़िया गन है और इसके साथ स्किन लगा दोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो तुम लोग समझ सकते हो ये MP40 को टक्कर देने वाला है, तो और क्या ही बोल सकते हैं। तुम लोग लुक वगैरह भी इसका देख पा रहे हो, अभी इसका परमानेंट लुक नहीं निकला है, इसका जो भी लुक निकला है अपना ये से अपना एडवांस सर्वर से वो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। बट इसका जो एकदम
एकदम 110% वाला जो गन स्किन, एकदम लीग वाला गन स्किन आ जाएगा जब, तो वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे उसका पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा कल परसों तक, तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे तुम लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। इंस्टा लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब मैं दो दो बार बोल दिया इस वीडियो के अंदर कि जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो प्लीज से पहले लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। देन उसी के साथ साथ तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी हम लोग 1K के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो तुम लोग जल्दी से हमारा 1K करवा दो। क्योंकि मैं लोग जब स्टार्ट किया था मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया था, सभी यूट्यूबर जीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने जो सपोर्ट दिया ना अपने भाई को 2021 से लेके अभी तक, वो भाई लोग लाजवाब सपोर्ट है, एंड तुम लोग हरदम देते रहोगे मुझे पता है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि हम लोग 1K के बहुत ही ज्यादा करीब है, तुम लोग ही करवा सकते हो अपना 1K। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं अगर उतने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पक्का से हमारा 1K 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगा। तो जल्दी से हमारा 1K कंप्लीट करवा दो। सुबह लोग अभी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, एंड बात करने वाले फरवरी एंड मार्च महीने के बोया पास के बारे में कि मार्च एंड फरवरी में हम लोग कौन कौन सा बंडल देखने को मिलने वाला है बोया पास के अंदर, इसके बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फरवरी मंथ के बोया पास के बारे में। जो हमारा फरवरी मंथ का बोया पास है वो तो तुम लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसका बंडल वगैरह देखने में तो कुछ उतना बढ़िया नहीं है, बट ठीक ठाक सा है, काम करने लायक है, खेलने लायक है पहन के, तो ठीक ठाक सा लगा है अपने को। तुम लोग फरवरी मंथ का बोया पास कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर से बताना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे एंड बात करेंगे मार्च मंथ के बोया पास के बारे में। तो तुम लोग जो यहाँ पर ये बंडल देख पा रहे हो ये मार्च मंथ का बोया पास है, जो कि ये भी ठीक ठाक सा है, उतना कुछ खास बंडल मुझे नहीं लगा है। तो तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हें फरवरी मंथ का बोया पास अच्छा लगा है या मार्च मंथ का। एंड मुझे तो कोई भी बोया पास अच्छा नहीं लग रहा है अब, क्योंकि मुझे एलेट पास का आदत था, एंड एलेट पास इजिली कंप्लीट करने में ईजी रहता था, बट बोया पास कंप्लीट करने में फट जा रहा है भाई लोग, लिटरली भाई लोग क्या ही बोले, इसको कंप्लीट करते करते दिन भर गेम भी खेलने से ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कितने सारे भाई लोग का जो बोया पास है वो कंप्लीट हो रहा है, एंड कितने सारे बंदे जो बोया पास अपग्रेड कर लिए हमें कमेंट करके जरूर से बताना, एंड मेरे कितने सारे सब्सक्राइबरों ने बोया पास कंप्लीट किया हमें कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर हमारा इस मंथ तक 1K सब्सक्राइबर की फैमिली तुम लोग कंप्लीट कर देते हो तो एक गिव अवे रखेंगे लाइव में आके, मैं लाइव स्ट्रीम में आकर तुम लोगों को अपने टीम कोड दूंगा, उसके अंदर से मैं बंदे बुला के उनके आईडी में मैं अपना जो बोया पास है वो निकाल दूंगा। सो तुम लोग जल्दी से हमारा 1K करवा दो, फिर ये गिव अवे होगा। अगर तुम लोग इस मंथ तक हमारा 1K करवा देते हो तो अगले मंथ पक्का से इसका हम लोग गिव अवे करेंगे, कोई दो बंदे को दूंगा भाई लोग, लिटरली दो बंदे को मिल जाएगा बोया पास। तो चलो इसे करवा दो इस मंथ तक हमारा 1K, तो तुम्हें भी अगले महीना बोया पास मिल जाएगा। जो लकी बंदे हैं जिनको पहले टीम कोड मिलेगा लाइव स्ट्रीम में आगे, तो मैं उनको करवा दूंगा। सो करवा दो जल्दी जल्दी 1K। सो भाई लोग अपना प्रमोशन मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, प्रमोशन से हट के अब हम लोग वीडियो में बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, देन बात करेंगे कि अपने इंडिया के अंदर हम लोगों का आफ्टर अपडेट के बाद हम लोगों को कौन सा न्यू इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाला है। क्योंकि अभी अपने इंडिया के अंदर ये विक्टर का इंक्यूबेटर चल रहा है, जो कि मैंने वीडियो में तुम्हें बताया था कि विक्टर का इंक्यूबेटर आने वाला है। सो फाइनली विक्टर का इंक्यूबेटर आ गया है। सो अभी हम लोग बात करने वाले कि हमारे इंडिया के अंदर अब नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा होने वाला है। तो भाई लोग नेक्स्ट इंक्यूबेटर 3v1 वाला इंक्यूबेटर होने वाला है। एक इंक्यूबेटर के अंदर 3 आइटम आने वाले हैं। सबसे पहला जो आने वाला है वो है हमारा समुराई बंडल, जो कि तुम लोग अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। समुराई बंडल ये अपने इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस वगैरह इसका आने का भाई लोग, और लिटरली बोलूं ये बंडल आना भी चाहिए, ये अभी तक एक बार भी रिटर्न बैक नहीं आया है जब से ये बंडल आया है। तो भाई लोग ये बंडल रिटर्न बैक जरूर से आना चाहिए। तो ये बंडल अगर रिटर्न बैक आया तो पक्का से मैं इस बंडल को निकालूंगा। सो तुम लोग कमेंट करके बताना कितने सारे भाई लोग जो कि समुराई बंडल को निकालते हैं, हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे इंक्यूबेटर की तरफ। जो हमारा दूसरा इंक्यूबेटर है वो है हमारा क्लॉन इंक्यूबेटर, जो कि बहुत दिनों से अपकमिंग सून है, बट ये इंक्यूबेटर भी अपना अपडेट के बाद तुम्हें गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। 3v1 वाले इंक्यूबेटर के अंदर ये वाला भी तुम्हें बंडल देखने को मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने तुम्हारा इंक्यूबेटर से रिलेटेड जितना भी डाउट वगैरह था इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। अगर तुम्हारा इंक्यूबेटर से रिलेटेड जितना भी डाउट वगैरह था क्लियर हो चुका है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताना। एंड भाई लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1K जल्दी जल्दी करवा दो। तो अपन लोग बोया पास का गिव अवे करेंगे फरवरी मंथ का, दो बोया पास तो गिफ्ट दूंगा मैं दो खास बंदे को जो कि हमारे लाइव स्ट्रीम में सबसे पहले आएंगे। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, अगर 1K करवा दे तो इस मंथ तो अगले मंथ पक्का से मैं गिव अवे लाने वाला हूं। सो चलो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी और तरक्की भरती वीडियो के अंदर।